नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। राजस्थान टीम के खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह व कोच रमेश योगी की जीत पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। बांडा। राजस्थान टीम के खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह वे कोच रमेश योगी की जीत पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। राजस्थान टीम में शूटिंग बॉल में अच्छा प्रदर्शन कर राजस्थान टीम को इंद्रजीत सिंह ने सिल्वर मेडल दिलाया। कोच रमेश योगी बांडा ने राजस्थान शूटिंग बॉल फेडरेशन द्वारा बेस्ट कोच अंडर 17 वे 19 टीम को 3 बार सिल्वर और 1 बार गोल्ड मेडल दिलाने की उपलब्धि हासिल की है। इंद्रजीत व रमेश इस उपलब्धि पर शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मानित होकर गांव में पहुंचे तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे और इन दोनों का भव्य स्वागत किया। मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्राज मंगलाव ने अनूपगढ़ ज्योति को बताया कि इन दोनों ने खेल क्षेत्र में बांडा व अनूपगढ़ तहसील का नाम रोशन किया है। ग्रामीण इन दोनों पर गर्व महसूस करते हैं। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम में पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ शर्मा वे गांव के मुख्य लोगों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे तथा सभी इस उपलब्धि पर दोनों को बधाई दी और भव्य स्वागत किया। सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ शर्मा ने कहा कि स्कूल के अंदर जगह काफ़ी उपलब्ध है, इसलिए विधायक कोटे से वॉलीबॉल और कबड्डी का स्टेडियम बनाया जाएगा और ताकि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो नशे से दूर रहे और खेल की तरफ हमारे युवाओं का रुझान बढ़े। इस पर ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि का भी आभार व्यक्त किया। जाते हो सबसे पहले तो जो 41वीं शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो राजस्थान में स्वाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित, उसमें हमारे गांव के इंदर सेन और हमारे गांव के कोच जो राजस्थान के कोच है मांडा के रमेश पांडा, दोनों को बहुत बहुत बधाई, पूरे गांव को बधाई जो हमारे युवाओं ने हमारे गांव का नाम रोशन किया। इन युवाओं को खेलने के लिए ग्राउंड के बारे में कुछ आप कर रहे हैं पंचायत के अंदर? इन युवाओं के इन वॉलीबॉल के प्रति देखते हुए हमारे माननीय विधायक बलवीर जी लूथरा को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 10 लाख रुपए हमें डोनेट किए वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए। पर हमारे गांव में कुछ इस मानसिकता के लोग रहते हैं जिनके मन में कुछ काम को अटकाने की कोई भावना आ गई। उन्होंने कहा कि कबड्डी का पहले शुरू करो फिर वॉलीबॉल का। उन्होंने शूटिंग बॉल के लिए दिया। हमने कहा कि आपसे हो सकता है तो आप कबड्डी का आप करवा दीजिए। कबड्डी भी बहुत बढ़िया गेम है, बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं मांडा के। पर अगर कोई चीज का प्रथम बार अगर किसी का बजट आ गया तो उसको पूर्ण कर लेते हैं। और दोनों ही ग्राउंडों के लिए स्कूल में जगह पर्याप्त है। स्कूल प्रशासन भी क्या करे इस ऐसी परिस्थिति में। तो कुछ ऐसे गाँव के जो लोग थे उन्होंने इसको बाधा बनने के अंदर प्रमुख कारण रहे, इस वजह से इनका ग्राउंड रुकने में रहा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सबको कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले। हम चाह रहे हैं कि वॉलीबॉल का भी ग्राउंड बने, कबड्डी का भी बने, कोई ओपन जिम भी बने, बहुत कुछ बने ताकि हमारे गांव में जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं नशे से दूर हो। कबड्डी के ग्राउंड के बारे में कुछ लोग अटका रहे हैं कि पहले बनाया जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसी दिन से प्रयास में लग गया। मुझे वो बच्चे भी इतने ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि वो बच्चे भी बहुत बढ़िया गेम खेल के आ रहे हैं, हमारी बच्चियां भी बहुत बढ़िया गेम खेल के आ रही है। तो हम उनको देखते हुए मैंने बहुत प्रयास किए हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं जल्द ही कबड्डी का ग्राउंड भी वहाँ उसी स्कूल के अंदर बनवा लूंगा। ठीक है, धन्यवाद।